नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। इस वक्त है हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे। मध्य प्रदेश की राजनीति का, या यूं कहें कि महाकौशल की राजनीति का एक चेहरा जो बरभस ही लोगों का ध्यान खींचता है। दूसरी बार विधायक बने रामकिशोर कावरे इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं जल संसाधन राज्य मंत्री हैं। तकरीबन 6 महीने पहले जब शिवराज कैबिनेट में रामकिशोर कावरे को स्थान दिया गया, तब ये चौंकाने वाला फैसला कई लोगों को लगा था और राजनीतिक प्रेक्षकों को भी इस फैसले ने चौंकाया था। हालांकि वक्त के साथ अपनी कार्यशैली और आयुष राज्य मंत्री के तौर पर काम करते हुए रामकिशोर कावरे की कार्यशैली लोगों को प्रभावित कर रही है। तो रामकिशोर कावरे जी, आपका बंसल न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबा राजनीतिक सफर आपका रहा है, तकरीबन 2 दशकों से आप राजनीति कर रहे हैं। गांव के पंच पद से आपने शुरुआत की और उसके बाद आप आज मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं। इस अपनी पूरी जर्नी को, इस पूरे सफर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यदि हम राजनीति की बात करें और लगभग 2 दशक, जैसे आपने कहा, निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। मैं विद्यार्थी परिषद का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में बालाघाट जिले के पीजी कॉलेज में काम करता था और वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा को लेकर मैंने अपने ग्राम पंचायत में एक ऐसा अवसर आया जब गांव के लोगों ने मुझसे कहा कि आपको ग्राम पंचायत के पंच के रूप में चुनाव लड़ना है। और मैंने गांव के लोगों, जब मेरी उम्र 20 साल की थी और उस 20 साल की उम्र में मैंने पहली बार ग्राम पंचायत के पंच के रूप में फॉर्म भरा, मैं निर्विरोध ग्राम पंचायत का पंच बना। चूंकि महिला सरपंच का हमारे यहाँ आरक्षण था, तब उपसरपंच बनने का मुझे गांव के लोगों ने कहा कि आपको उपसरपंच बनना है। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था और कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ मैं गांव के लोगों की मदद करता था। चूंकि विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते गांव में कोई भी समस्या आती थी, उस समस्या का समाधान मैं बालाघाट में, चाहे कोई बीमार होता था तो उसको लेके आता था। उसी के कारण मुझे ग्राम पंचायत में पंच और उपसरपंच के रूप में गांव के लोगों ने मुझे दायित्व दिया। उस दायित्व के साथ में मुझे 5 साल बीतने के बाद मैंने लोगों की मदद किया, क्योंकि मन में सेवा का भाव था। और उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, 5 साल बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रवेश कर चुका था। विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में आया था। मैं मंडल का महामंत्री था और मंडल के महामंत्री होते हुए मैंने 3 साल तक के लगातार संगठन का काम किया। इधर संगठन का काम करता रहा और इधर जनप्रतिनिधि की भूमिका में मैं जनपद के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था। मैं जनपद का अध्यक्ष, बालाघाट का जनपद अध्यक्ष बन चुका था। और फिर पार्टी ने मुझे अच्छे काम, संगठन का अच्छा संगठनात्मक रूप से काम कर रहा था तो मुझे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी। इन समय में मैंने संगठन का भी काम किया और जनप्रतिनिधि के रूप में जनपद अध्यक्ष का काम किया। 2008 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पलसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर कभी कमल का फूल नहीं खिला था, ऐसे जगह हमारा पलसवाड़ा, वहाँ पर मुझे 2008 में पार्टी ने टिकट दी। और ईश्वर की कृपा और जनता के आशीर्वाद से मैं 2008 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी जीता। प्रदेश ने इधर विधायक के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था और प्रदेश में युवा मोर्चा के महामंत्री के रूप में मुझे संगठन का दायित्व दिया। मैं लगातार संगठन और सत्ता की राजनीति में मैं काम करते रहा। 2013 में कोई कमी आ गई होगी मुझमें, तो उस कमी में मैं वोटों की गिनती में 2500 वोटों से पीछे रहा, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैं अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के उस पंक्ति को हमेशा याद करता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से लिखता मिटाता चला, नया गीत गाता चला। मैं अटल जी के उस पंक्ति को मैं याद करता हूँ और अपना मूल मंत्र बनाया हूँ। फिर मैं जानता हूँ कि आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, लेकिन आते जाते राहों में कोई यादें छोड़ जाता है। तो मुझे यादों के रूप में मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मानवाद के विचार पर काम करता हूँ। तो मैंने सेवा के भाव को लेकर काम करते चला। और मैं जो, जब 2013 में वोटों की गिनती में जब मैं पीछे रह गया,
मैंने हार नहीं माना और मैंने कहा, सोचा कि मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, पद रहे अथवा ना रहे। और मैंने लगातार 5 साल तक जनता के बीच में सेवा करते रहा। जुलाई में जब आपने मंत्री पद की शपथ ली, महाकौशल से आप आते हैं, महाकौशल समृद्ध माना जाता है, जिसने दिग्गज राजनीतिज्ञ दिए हैं मध्य प्रदेश को हमेशा ही। इससे पहले कि कमलनाथ सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा अध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, तमाम जो बड़े ओहदेदार मंत्री हैं वो सभी महाकौशल से थे। लेकिन भाजपा की सरकार में आप इकलौते मंत्री हैं, तकरीबन 34 विधानसभा क्षेत्र हैं और आप अकेले हैं जो मंत्री हैं। क्या इस फैसले ने आपको भी चौंकाया था? आप जानते हो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, कोई भी व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। जो व्यक्ति सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उसको भारतीय जनता पार्टी मूल्यांकन करती है और भारतीय जनता पार्टी उसको अवसर देती है। कोई वरिष्ठ नेता का अपमान नहीं होता, कोई वरिष्ठ नेता को पछाड़ा नहीं जाता, सबके साथ में विश्वास में लेके सबके साथ में काम करने का अवसर देते हैं। मैं आज भी हमारे जबलपुर संभाग के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में मैं काम करता हूं। बालाघाट जिले में आप सब लोग जानते हैं, बालाघाट जिले की बात करूं आप, मैं जब जबलपुर जाता हूं, जबलपुर की बात, महाकौशल में मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में काम करता हूं। चूंकि संगठन में भी काम किया हूं, राजनीतिक क्षेत्र में संगठन का भी एक अच्छा अनुभव रहा है और जनप्रतिनिधि के, तो दोनों का समन्वय बैठाकर मैं जबलपुर संभाग महाकौशल में काम करने का प्रयास कर रहा हूं। और निश्चित रूप से इन 6 महीनों में आप, मैं यकीन के साथ, प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन मिला। आयुष विभाग देख रहे हैं और हम अपने दर्शकों के लिए भी ये पूछना चाहेंगे कि आयुष विभाग किस तरीके से काम करता है और कोरोना में आयुष विभाग की अहमियत लोगों के सामने आई, चाहे आयुर्वेदिक हो, आयुर्वेद हो या फिर होम्योपैथिक हो या दूसरे और तरीके हों, इसके जरिए लोगों के घर घर तक आयुष विभाग ने पहुँचने की कोशिश की। आप जब मंत्री बने उसके बाद आपने कौन से वो नवाचार करने की कोशिश की या वो कौन से प्रयोग करने की कोशिश की कि कोरोना में लोगों को और बेहतर तरीके से आयुष विभाग सुविधाएं पहुंचा सके, उन्हें वो तौर तरीके बता सके जिससे कि वो कोरोना का मुकाबला कर सकें? देखिए, हमने अपने पुरानी पेथी कोरोना के समय, जब इस कोरोना से लोग डर गए थे, भयभीत हो गए थे, तब एलोपैथ ने तो हाथ खड़े कर लिया था कि हमारे पास में कोई दवाई नहीं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा था। तब हमारी पुरानी पेथी और हमारा अपना आयुर्वेद ने कहा कि हम इस कोरोना को भगाएंगे और हमारी इम्यूनिटी पावर, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, उसको हमने अपने प्रदेश की जनता को किचन तक के देने का काम किया। हमको याद होगा, आपको भी याद होगा, जब पुराने समय जब आपको सर्दी हो जाती थी, खांसी हो जाती थी, जब टेक्नोलॉजी का इतना जानकारी नहीं होती थी कि कौन सी बीमारी क्या है, तब अगर सर्दी हो जाए तो सर्दी को ठीक करने के लिए हमारी दादी, हमारी नानी हमको क्या पिलाती थी, काढ़ा पिलाती थी। तो ये वही काढ़ा है जिसमें लौंग है, जिसमें हमारे काली मिर्च है, जिसमें हमारे घर में लगने वाली तुलसी के औषधि है, जिसमें अदरक, जिसको हम सोट कहते हैं, जो पिपली है, यही चीज हमने मिलाकर उस त्रिकटु चूर्ण को जो हम लेते हैं हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और हमने पूरे प्रदेश भर में इस बात को बताया कि हमारा आयुष विभाग जो त्रिकटु चूर्ण बना रहा है वो ये औषधि है और वो औषधि आपके घर में है, तो आप क्यों ना अपने घर में भी बना के इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हो। और इसका नवाचार हमने करने का काम किया, जिसका परिणाम हमको मिला कि हमने आयुष विभाग के, आयुर्वेद के, होमपैथ, यूनानी को भी हमने घर घर तक के और किचन किचन तक के पहुंचाने का काम किया है। हमारा जो पूरा क्षेत्र है, कई मध्य प्रदेश के कई जो इलाके हैं वहाँ पर जड़ी बूटियाँ और औषधीय पौधे बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो क्या किसी तरह की प्रोसेसिंग यूनिट डेवलप करने का विचार है आयुष विभाग? अभी देखिए, मैंने मध्य प्रदेश में कोरोना का धीरे धीरे जो समापन की स्थिति आ रही है, उसके अलावा भी हम आयुष विभाग में वेलनेस सेंटर लेके आ रहे हैं। अब 362 वेलनेस सेंटर हमारे औषधालय में लगेंगे, वहाँ पर हमारी जो प्राथमिकता होगी उस क्षेत्र में जहाँ पर हमारा वेलनेस सेंटर होगा, वहाँ हम एक चिकित्सक देंगे, एक वहाँ पर हम पैथोलॉजी देंगे, एक वहाँ पर हम मसाजर देंगे, वहाँ पर पंचकर्म, चूँकि आयुष का जो अच्छा उपचार हो सकता है औषधि के साथ साथ, हम हृदय से जुड़ा हुआ भी हम काम करने वाले हैं, जो हमारे शरीर को हम
कुल मिला के एक आवाज़ की दृष्टि से हम कई बार हमारे शरीर से हमारे को अपने को ये लगने लगता है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। तो वो जो हमारी पुरानी पेथी है, जो जो हम पहले गांव की भाषा में कहते थे उसको मसाज करना या मालिश करना, लेकिन उसी को हम अपनी पद्धति में आयुष विभाग के ऑयल के साथ साथ हम वहाँ पर पंचकर्म की व्यवस्था कर रहे हैं। पंचकर्म का उपचार से भी, चाहे आपके पैर के दर्द हो, आपके सर में दर्द हो या तमाम प्रकार के जो बीमारियाँ आपको है, उसका भी उपचार हम उससे पंचकर्म से देने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे प्रदेश में पंचकर्म की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें हम अभी वेलनेस सेंटर में हर्बल गार्डन अब औषधि का निर्माण हम करना चाहते हैं। अभी औषधि का उत्पादन, तो मैंने पूरे प्रदेश में जितने भी औषधालय हैं उन औषधालय में हर्बल गार्डन के व्यवस्था करने के निर्देश दिया हूँ। पूरे जिले चिकित्सालय, जो हमारा आयुर्वेद जिला चिकित्सालय, उसमें भी एक मैंने निर्देश दिया कि स्वयं को भी सुधरना पड़ेगा ना। अब आयुर्वेद में स्वयं को, एलोपैथ में स्वयं को, यूनानी को स्वयं को लाना पड़ेगा, तो हमने अपने आप में भी उसको लेना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हमारे जितने भी चिकित्सक हैं, हमारे जितने भी दवासाज हैं, जितने भी हमारे स्वच्छक हैं, हमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उनके भी निवास में 16 प्रकार की औषधि घर में गमले में लगाना चाहिए, ऐसा मैंने निर्देश भी दिया। अब मैं स्वागत करवाता हूँ, हमारे विभाग का स्वागत का कार्यक्रम, कोई कार्यक्रम होता है तो मैं औषधि से सम्मान करवाता हूँ। औषधि से सम्मान तो औषधि को जाने। अभी मैं एक कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी के कार्यक्रम से आ रहा हूँ, वहाँ पर मेरे विभाग के लोग आ गए, तो उन्होंने मेरे को जब सम्मान किए तो उन्होंने धृत कुमारी से सम्मान किए, धृत कुमारी मतलब एलोवेरा। तो हमारे को जानकारी तो होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि धृत कुमारी का उपयोग क्या है, क्या है? तो उन्होंने कहा चेहरे में लगाने का, पेट खराब हो जाए तो उसको उसका जूस बना के पीने का। तो इस प्रकार से हम नवाचार भी कर रहे हैं, लोगों को जगह जगह बता रहे हैं, और इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे अपने पुराने लोग आज भी आयुर्वेद, होमपैथ, यूनानी का उपयोग करते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में भी वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने के, इसमें भी आयुष विभाग का? हाँ, अभी हम लोगों का आयुष विभाग और पर्यटक के साथ में, हमारी पर्यटन विभाग से हमारी चर्चा हो रही है। आने वाले समय में हम जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके होटलों में भी हम पंचकर्म की व्यवस्था देंगे, ताकि पर्यटक आएंगे, आने वाले समय उसको पैकेज के रूप में लेंगे, कोई 2 दिन के लिए लेगा, कोई 3 दिन के लिए लेगा, कोई 5 दिन के लिए लेगा, जिस प्रकार से चिकित्सा सलाह देगा उस प्रकार से उसका उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत बारीकी से सारे विभागों की मॉनिटरिंग करते हैं, और कोरोना के दौरान हमने देखा कि वो खुद मोर्चा संभाले हुए थे। ये एहसास आपका किस तरीके से रहा, किस तरीके से आपने इस जिम्मेदारी को महसूस किया, और आज भी चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से दिए हुए दायित्वों को पूरा करने की बात हो या जनता के प्रति जवाबदेही हो, आप इस पूरे पैरामीटर पर, इस पूरे मापदंड पर खुद को खरा साबित करने के लिए किस तरह से सतर्क रहते हैं और किस तरह से काम करते हैं? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार जनता की सेवा के लिए 24 घंटा सोचते रहते हैं, और हम सब मंत्रियों को बताते हैं, सुझाव भी देते हैं, और उनका निर्देश भी रहता है कि जनता की सेवा करने आए हैं, अपने अपने विभाग में कुछ नया नवाचार करिए, और उनकी प्रेरणा से हम अपने विभाग में नया नया नवाचार भी कर रहे हैं। अभी मैंने नवाचार के रूप में हमारे अपने विभाग में, मैं आपके घर आपका वैद्य, आपके घर आपका वैद्य, मतलब आपका डॉक्टर आपके घर तक के पहुंचेगा। अब कई गांव में आप देखते होंगे ट्राइबल इलाके में पैरालिसिस हो जाता है, वो कहां तक, कहां आएगा चिकित्सालय, वो नहीं आ सकता आपके औषधालय। तो मेरा अब चिकित्सक उस परिवार तक के जाएगा, उस व्यक्ति तक के जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच है, उस सोच को नीचे तक के उतारना हमारा काम है। तो हमारा डॉक्टर चिकित्सक, हमारा वैद्य चिकित्सक वो व्यक्ति तक के जाएगा। इसलिए आपके आपके द्वार आपका वैद्य, ये योजना मैं लेके आ रहा हूँ, और आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में मैं नया एक नवाचार भी करने वाला हूँ। औषधियों का मेला लगाऊंगा, हमारे औषधियों का मेला, आयुष विभाग का मेला लगेगा, जहाँ पे सब लोग जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारी औषधि तो अपने घर में है जिसका उपयोग हम नहीं करते। आप तुलसी के पत्ते की बात करते हैं, तुलसी के जो पत्ती होती है वो इतना रामबाण है, आप उसको रोज सुबह लीजिए, दो पत्ती आप सुबह लीजिए, आपके प्रतिरोधक क्षमता, आपको कहीं किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। लोगों को जब तक के जन जागरण नहीं लाएंगे तब तक के लोग जागृत नहीं होंगे, और हमारी पुरानी पेथी है, लोग इसको स्वीकार, और इस कोरोना में
आप भी स्वीकार करते हो कि पूरा देश आयुर्वेद आयुष विभाग के होमपेट यूनानी पर विश्वास किया है और अब जब भी हम बताते हैं तो विश्वास करते हैं और लोग इसका उपचार भी ले रहे हैं। एक इन सवालों के अलावा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। 2 वर्ष पहले तक आप विधायक नहीं थे, 2018 में आप दूसरी बार विधायक बने, फिर उसके बाद आप मंत्री बने, तो ये बढ़ते दायित्वों के साथ आप पारिवारिक संतुलन किस तरह बिठाते हैं? वो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि मंत्री के तौर पर प्रदेश भर में आपके दौरे रहते हैं, विधायक के तौर पर क्षेत्र भर में दौरे रहते हैं और अब काफ़ी आपका महाकौशल में भी काफ़ी, जबलपुर संभाग में भी काफ़ी मूवमेंट रहता है, तो ये परिवार के साथ कैसे कितना समय दे पाते हैं और कैसे इसको मैनेज करते हैं? देखिए, मैं लगातार, जैसा आपने कहा कि मैं 2 दशक से काम कर रहा हूँ, तो इन 2 दशक में मेरा टाइम टेबल बना हुआ है कि मैं सुबह 10 बजे घर से निकलता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ जैसे कार्यक्रम होता है, रात के 9:30 और 9 के बीच में मैं प्रयास करता हूँ कि मैं घर तक पूरा काम निपटा के कंप्लीट करके मैं घर पहुँच जाऊँ और उसके बाद में मैं घर में परिवार के साथ बच्चों के साथ टाइम देता हूँ। महीने में 2-3 दिन बच्चों के साथ मैं रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरे अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे स्वयं मुख्यमंत्री जी भी इस बात को हम लोगों को समझाते हैं कि सेवा के साथ साथ अपना परिवार भी है, उसमें भी हमारे को, हमारी जिम्मेदारी जितने जनता की सेवा करना करने में है उतनी ही जिम्मेदारी अपने परिवार की चिंता करने की भी है। तो उनका मार्गदर्शन लेते हुए, उनकी प्रेरणा लेते हुए हम समय समय पर परिवार को भी समय देते हैं, समय समय पर बच्चों को भी समय देते हैं, समय समय पर अपने रिश्तेदारों को भी, क्योंकि हम सब लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इस बात को जानते हैं कि हमारा जब कोई दायित्व तो नहीं रहता तो हमारे समाज के लोग, हमारे अपने रिश्तेदार, अपने यही लोग तो अपने साथ में रहते हैं, यही क्षेत्र के लोग रहते हैं, तो उनको भी हम समय 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 पे देते हैं। बस यही है कि अपना टाइम हमको मैनेज करने की आवश्यकता है, अपने को अपना टाइम टेबल बना लेना चाहिए ताकि हम उस टाइम टेबल के अनुसार काम करेंगे तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती। इस कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 3 वर्ष का वक्त आपके पास बतौर मंत्री है काम करने के लिए। अगर आपके गृह जिले की बात करें या पूरे संभाग की बात करें या विभाग के मंत्री के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश की, वो कौन सा आपका लक्ष्य है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस काम को करने के बाद आपको जनता अप्रिशिएट करेगी, जनता आपको याद रखेगी? आपने कहा कि 2 दशक से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि 2 दशक में से काम कर रहा हूँ तो यहाँ की जो मूल भावना है उससे मैं वाकिफ हूँ और उस मूल भावना पर काम करते हुए मैं प्रारंभ कर दिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आए, तो मेडिकल कॉलेज आने के लिए मेरा पत्राचार चालू है। अब मेरे मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी हैं, मैं उनके साथ में उनके सानिध्य में काम किया हूँ। जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था, तो वो मेडिकल एजुकेशन उनके पास में है, तो उनसे मेडिकल हम कॉलेज यहाँ पे कैसे ला सकते हैं उसकी चिंता करेंगे, उस पर मैंने कार्रवाई। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में हमारा ट्राइबल ब्लॉक है तो हमारे को यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन हब भी बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ध्यान में है और उस ध्यान के, क्योंकि हमने मांग की है पहले ना, जब मांग किए तो अब शासन में तो उसको अमली जामा पहनाना, तो जो जो नियम से हो सकता है उस पर हम कार्रवाई चालू कर दिए। और मेरा विश्वास है, मैं विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने जीवन में हमेशा सेवा के क्षेत्र को काम किया है, मैंने हमेशा स्वामी विवेकानंद जी के उन वाक्यों को हमेशा याद करता हूँ कि मनुष्य वो व्यक्ति व्यक्ति है जो चाह लिया तो कर सकता है। तो हम मनुष्य हैं, यदि हमने तय कर लिया तो उसको करके दिखाएंगे। और अगर आज मनुष्य ने एरोप्लेन बनाया है, मनुष्य ने ही मोबाइल बनाया है, मनुष्य कभी सोचे थे कि अमेरिका के व्यक्ति से हम फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन आज मनुष्य ने बनाया है, तो हम बालाघाट जिला हो या जबलपुर संभाग हो या महाकौशल की बात, यदि हमारे जो ध्यान में हमने तय किया है तो बिल्कुल निश्चित रूप से करके देंगे। आप जिस बालाघाट जिले से आते हैं, बालाघाट और मंडला जिलों में एक बार फिर नक्सलियों ने सिर उठाया है और हाल ही में जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें दोनों ही जिलों में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है, बालाघाट जिले में भी और मंडला जिले में भी। हाल ही में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी जब बालाघाट आए तो उन्होंने भी इस ऑपरेशन को लेकर पुलिस की पीठ थपथपाई थी। आप क्या देखते हैं, क्या नक्सली एक बार फिर पलटवार करेंगे या फिर पुलिस के आगे वो कमजोर पड़ेंगे? देखिए, पुलिस कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। आप लगभग 5 साल के अंतराल को देख रहे हैं, दर बर दर पुलिस ने इनकाउंटर किया, पुलिस के
चश्मे में आया तो पुलिस ने उनको सबक सिखाया। जहाँ जहाँ भी नक्सलाइट छत्तीसगढ़ में या वहाँ से घटना करके बालाघाट जिले में आते हैं और अगर बालाघाट में वारदात करने की कोशिश करते हैं, तो मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश के पुलिस महकमा को मैं धन्यवाद करता हूँ कि हर चीज़ पर उनकी पैनी नज़र है। यदि किसी ने हमारे ऊपर आँख उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके आँख निकाल रहे हैं। उसका परिणाम आपने देखा है कि कितने इनकाउंटर अभी बालाघाट पुलिस ने भी और मंडला पुलिस ने किया है। तो निश्चित रूप से यदि हमारे जिले में किसी प्रकार से इस प्रकार के अगर प्रवेश करने की कोशिश करें तो यहाँ हमारी पुलिस तैयार है। एक बहुत ही लाइटर नोट पर मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, इतनी आपाधापी के बीच खुद के लिए समय निकाल पाते हैं? अपने शौक को क्या अब तक जिंदा रख पाए हैं या सार्वजनिक जीवन में वो शौक कहीं पीछे छूट गए हैं? देखिए, मेरा कोई शौक है नहीं, मैं सेवा करने के लिए निकला हूँ, यही मेरा शौक है। और रही बात समय निकालने की, मतलब शौक, तो शौक तो अपने परिवार के साथ रहने की, तो अपने परिवार के साथ रह ही लेते हैं। सुबह लोगों के बीच में जाना है, वो शौक है कि जनता की सेवा करना, लोगों की मदद करना, तो हो ही जाता है। तो किसी प्रकार से ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मध्य प्रदेश सरकार की युवा राजनीति का चेहरा हैं, आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी राजनीति की है, युवा मोर्चा की भी राजनीति की और अब सक्रिय बीजेपी की राजनीति में और सत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवाओं के लिए आप एक कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं, जो लोग भविष्य में राजनीति में आना चाहते हैं। आप युवाओं को किस तरह से देखते हैं, आने वाला वक्त उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेरा युवाओं के लिए एक ही संदेश है, यदि युवा ने कहा, सोचा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र के, सेवा के क्षेत्र को मैं जाना चाहता हूँ, व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए पहले, व्यक्ति अपने लक्ष्यों के अनुरूप काम करना चाहिए। यदि युवा इस भाव को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आएगा कि मुझे सेवा करना है, तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इस देश में जब भी कोई परिवर्तन हुआ, जब भी कोई परिस्थिति बनी, तो युवा ही तरुणाई ने इस देश के परिवर्तन को किया है। देश की आज़ादी के बाद बात करेंगे तो वीर भगत सिंह को हम याद करते हैं, वो युवा ही काल में थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। तो हमारे लिए तो युवा का जो चेहरा है, युवा जो हैं, उनके लिए बहुत सारे हमारे इस देश में प्रेरणा स्रोत हैं। स्वामी विवेकानंद जी हैं, वीर भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे सेवा के क्षेत्र में जाना है, तो मैं तो सारे युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जिस भी क्षेत्र में, अगर राजनीतिक क्षेत्र में आए तो राजनीतिक सेवा के क्षेत्र में, यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या और भी किसी क्षेत्र में जाते हैं, तो अपनी पहचान, अपने आधारशिला और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी, वो है आपका अनुशासन। जो भी व्यक्ति, मैं हमेशा कहता हूँ कि जीवन में, जो जीवन में अनुशासन का पालन करेगा वो आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, जिसका परिणाम मैं हूँ। मैंने, मेरे घर, मेरे परिवार से कोई राजनीतिक क्षेत्र कोई नहीं आता, मेरे ना परिवार में मेरी पत्नी राजनीति में है, ना मेरे भाई राजनीति में, ना मेरे पिताजी राजनीति में, कोई नहीं। मैं स्वतः गांव से निकल के आया हूँ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मानावाद के विचार को लेकर आया हूँ। जब विचार को लेकर आया हूँ तो मन में भाव सेवा है, जब मन में भाव सेवा है तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। कावरे जी, भविष्य में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही दल पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को जीतना चाहती है। एक तरफ किसान आंदोलन का साया है जिसके चलते पंजाब में भी बीजेपी के लिए अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं रहे, तो क्या हम मान सकते हैं कि इस किसान आंदोलन की वजह से मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर भी कहीं किसी तरह की दिक्कत भाजपा को हो सकती है और उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को जमावट करनी होगी? देखिए, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान इस बात को जानते हैं। मध्य प्रदेश में कहीं पर आपको ऐसा आंदोलन समझ आया? कांग्रेस के लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो किसान के लिए आंदोलन के लिए नहीं आए थे, वो अपना प्रदर्शन, अपने आप को जिंदा है ये बताना चाहते थे। इसलिए मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रही बात नगरी चुनाव की, हम रोज चुनाव लड़ते हैं क्योंकि हम जनता की सेवा करते हैं, तो रोज चुनौती आती है हमारे पास में, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए जनता की सेवा करते हैं, किसानों की सेवा कर रहे हैं। आप इस बात को मान सकते हो कि इस कोरोना काल में पूरा देश प्रभावित था, पूरा प्रदेश प्रभावित था, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी पूरे प्रदेश की, पूरे देश की, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि और किसानों के प्रति उनका सोच,
उन्होंने 4000 रुपए किसानों के खाते में देने का काम किया है। आप समझ सकते हो, तो फिर किसान कैसे दूर भाग सकता हमसे, कैसे किसान हम पे विश्वास नहीं करेगा। किसान से गलती हो गई थी कब, 2018 के चुनाव में, और उन्होंने उस गलती को स्वीकार किया, जिसका चुनाव में आपने देखे होंगे 26-28 सीटों में 20 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो ये यही तो है, अगर किसान विरोधी रहते तो हमारे वोट क्यों देते। इसलिए किसी प्रकार से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नगरी चुनाव में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के विकास को देखकर और राजनीति के और इस प्रदेश के सारी चीज़ों को सौम्यता से, जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दूरदृष्टि से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सारे वर्गों की उन्होंने चिंता की है, इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जनता का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, किसान का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसलिए नगरी चुनाव में किसी प्रकार से कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। तो ये हैं मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, जो एक जनसेवा के भाव से, समर्पण के भाव से लगातार पिछले तकरीबन 1.5 से 2 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। उनका मानना है कि अगर सेवा का भाव हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आ सकती, रास्ते खुलते चले जाते हैं। एकात्म मानववाद के वाक्यों को वो अपने सूत्र वाक्य मानते हैं और मानते हैं कि इसी के चलते एक गैर राजनीतिक परिवार से निकले वो खुद यानी रामकिशोर कावरे आज राजनीति में स्थान पा सके हैं। उनका मानना है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति में दम है तो चाहे सत्ता हो या संगठन, हर जगह काम करने का अवसर मिलता है। और युवाओं के राजनीति में आने की बात पर भी उनका मानना है कि अगर युवा चाहें एक दृढ़ भाव के साथ आगे बढ़ें तो उन्हें भी कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। रामकिशोर कावरे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज़ खास बातचीत में शामिल होने के लिए। बंसल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।